जी गाइस, आज की हमारी रेसिपी आलू के लच्छे, ज़बरदस्ती रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासिन अंसारी, आप देख रहे हैं लाहौर फूड। आज हम आलू के लच्छे बनाएंगे और रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जी, यहाँ पे 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, जिनको मैंने धो लिया है। इनको पहले छील लेंगे, आलूओं को छील लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तीनों आलू मैंने छील लिए हैं और यहाँ पे कद्दूकश की मदद से हम लंबे लंबे इसके लच्छे तैयार करेंगे। कैसे होंगे मैं बताता हूँ आपको। सीधे ही आपने आगे लेके जाना है इसको, इस तरह से काफ़ी लंबे लंबे लच्छे तैयार होंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी लंबे लंबे इससे लच्छे तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे तीनों आलू अच्छे तरीके से कद्दूकश कर चुके हैं माशाल्लाह, आप देख सकते हैं। और किसी पानी लेकर किसी बाउल में डाल लेंगे अच्छी तरह, 2 से 3 पानी में इनको हम निकाल लेंगे। दो तीन पानियों में निकाल लेने के बाद आप देख सकते हो पानी इसका बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक नमक का 1 टेबलस्पून यहाँ पे शामिल कर देंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, तो क्या करेंगे, सारा पानी इसका जो है वो हम निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी निकाल कर इसको अच्छे तरीके से हम इसको खुश कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। कोई साफ सा कपड़ा, रोटियों वाला कपड़ा है मेरे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इस पे हम निकाल देंगे। इसी कपड़े की मदद से थोड़ा ऐसे ऐसे कर लेंगे ताकि पानी जो है इसमें खुश्क हो जाए। और कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे किसी खुश्क बाउल में इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। और यहाँ पे नमक जो है बिल्कुल ब्राई नाम नमक डालूँगा, बिल्कुल थोड़ा सा नमक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ पे कॉर्न स्टार 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बना देगा लच्छे हमारे। और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा। और इसमें मसाले जात नहीं जाएंगे बिल्कुल यही, लेकिन इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। इससे पहले लच्छे यानी कि लच्छे पकोड़े की रेसिपी मैं दे चुका हूँ, ये खाली आज लच्छे होंगे आलू के हमारे। अगर पकोड़े बनाने थोड़ा इसमें बेसन डल जाता है तो हरी मिर्चें काट के, तो पकोड़े भी लच्छा पकोड़ा तैयार हो सकता है यहाँ पे, लेकिन उसकी रेसिपी पहले मैं दे चुका हूँ। आज खाली आलू के लच्छे होंगे हमारे, ठीक है जी। यहाँ पे घी मैंने रख लिया चूल्हे पे, चूल्हे का फ्लेम ऑन है और घी को तेज़ गर्म करेंगे। तेज़ गर्म में काफ़ी अच्छे क्रिस्पी बनेंगे, हल्के गर्म में बिल्कुल आपने नहीं डालने। अगर आप ऑयल खाते हो तो ऑयल में तैयार कर सकते हो। यहाँ पे घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, चम्मच के साथ ये फैला के डालेंगे ताकि अकेले अकेले रहें ये।
इसको हल्का सा चला लेंगे ताकि आपस में ये जुड़े ना। और जो चैनल पर नए हैं देखने वाले, उनको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपका जल्द जल्द पहुँच सके। यहाँ पे काफ़ी कलर अच्छा आ चुका है क्योंकि चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल तेज़ रखा है, तो इनको हम यहाँ पे हम निकाल देंगे। काफ़ी ज़बरदस्त लच्छा बना है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे अमीन को भी निकाल लेंगे। और इसी तरीके के साथ बाकी जो हैं वो भी मैं निकाल लूँगा। यहाँ पे माशाल्लाह सारे से मैं तैयार कर चुका हूँ और इनके ऊपर मैं सिर्फ थोड़ा सा चाट मसाला जो है इसका इस्तेमाल करूँगा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। चाट मसाले में ये घर का मेरा अपना बना हुआ है, इसमें सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो चटनी किसके साथ कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए कि ये क्रिस्पी हो चुके हैं। इसमें कॉर्न स्टार्च डाला गया है, आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी हैं ये। सिर्फ कॉर्न स्टार्च डालने के बाद से इतने क्रिस्पी हैं। थोड़े मैं खा कर दिखाता हूँ आपको, आवाज़ सुनाता हूँ। तो डिश आउट यहीं पे मेरी आज हो चुकी है, आप देख सकते हैं कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शाम के चाय के साथ बहुत ही मज़ेदार होंगे ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी गाइज, ये थी मेरी आज की रेसिपी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों, अजीज़ों और फैमिली मेम्बर के साथ। वापस आएंगे किसी नई रेसिपी में, जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखेगा, दुआ में हमें भी याद रखेगा और यासीन सारे को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।